नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे और बाद में फील्ड मार्शल बने जनरल के एम करियप्पा से जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 1971 के नतीजे आने के बाद करियप्पा ने साफ तौर पर कहा था कि वो भारत में मिलिट्री शासन के पक्ष में हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छवि खबर के मुताबिक करियप्पा का मानना था कि देश में चीज़ों को सही करने के लिए मिलिट्री शासन एक अस्थायी उपाय है। भारतीयों को जगाने और आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा था कि 90% लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रपति और मिलिट्री शासन के लिए मतदान करेंगे। करियप्पा के साइन वाला एक नोट दरअसल कर्नाटक राज्य के आर्काइव से मिला है। करियप्पा ने अपने कमेंट पर संसदीय बहस कराने को लेकर तत्कालीन पीएम, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। मार्च 1970 में धनबाद में एक प्रेस से अनौपचारिक बातचीत भी की थी इस मुद्दे पर। हालांकि उस वक्त संसद में करियप्पा के इस बयान पर खूब हंगामा हुआ और उनके बयान की खूब आलोचना भी की गई थी। तब यह बताया गया था कि वे अपने कमेंट्स के लिए माफ़ी मांगने के लिए नेताओं से मिले थे, लेकिन उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा कि वो अपनी बात से एक भी इंच पीछे नहीं हटे हैं। इसके बाद उन्होंने ये नोट जनता के लिए सफाई के रूप में लिखा था। चार पन्नों के इस नोट में करियप्पा ने संविधान, सभी राजनीतिक दल और भाषाई राज्यों को खत्म करने की वकालत की थी। साक्षरता के आधार पर वयस्क मताधिकार को प्रतिबंधित करने की बात भी उन्होंने कही थी। विदेश में ब्रिटेन की तर्ज पर तीन पॉलिटिकल पार्टी, लेबर, लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी की बात करते थे। उनका कहना था कि मिलिट्री शासन से देश की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ठीक होगी और देश में लॉ एंड ऑर्डर फिर से बहाल होगा, अच्छी स्थिति में आएगा। इसके बाद नए सिरे से लोकसभा चुनाव हों और फिर नया संविधान बने। उनका मानना था कि नया संविधान बनने के बाद राष्ट्रपति और मिलिट्री शासन खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र फिर से अपने पवित्र स्वरूप में आ जाएगा। भाषा आधारित राज्यों को उन्होंने देश की एकता के लिए मौत की घंटी बताया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि राष्ट्रपति और मिलिट्री शासन का उनका प्रस्ताव स्थायी नहीं है, चीजें सामान्य होने तक के लिए मिलिट्री शासन लगना चाहिए। वो लिखते थे, अगर आम आदमी को लगता है कि राष्ट्रपति और मिलिट्री शासन से उसे सुरक्षा मिलेगी, उसे बेहतर प्रशासन, बेहतर जीवन और इस तरह के अधिकार मिलेंगे, तो उसे ऐसे अधिकार मांगने का हक है। करियप्पा कहते थे कि भारत में सैन्य तख्ता पलट कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। सैन्य तख्ता पलट नहीं होने के तीन कारण थे। पहला कारण था देश की विशालता, इसके अलावा अलग अलग तीन सेवाएं होना और उनके अपने अपने प्रमुख होना इसका एक कारण है। आगे वो बताते हैं कि दो तरह से मिलिट्री शासन आ सकता है। पहला ये कि अगर राजनेता स्वेच्छा से देश सेना को सौंप दें, जैसा कि पड़ोसी देश में किया गया था, या फिर जनता इस तरह की मांग रखे। जाहिर है कि वह दूसरी तरह की बात कहना चाह रहे थे। इस नोट को खोजने वाले लेखक और पत्रकार सुगता श्रीनिवास राजू ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि राज्य के आर्काइव इतने अव्यवस्थित हैं कि इस नोट को गलत तरीके से 1948 का बताया गया है। मुझे नहीं पता कि ये वहां कैसे पहुंचा, इसे प्राइवेट कलेक्शन कैटेगरी में रखा गया है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इससे ये किसकी प्राइवेट कलेक्शन है। राजनीति और लोकतंत्र के बारे में करियप्पा के कमेंट्स पर उनके रिटायरमेंट के बाद के शुरुआती सालों में भी बहस होती रही। ये माना जाता है कि सरकार ने उन्हें 1953 से 1956 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में तैनात किया गया था ताकि उन्हें घरेलू मामलों से दूर रखा जाए। जनरल करियप्पा एक फेमस मिलिट्री ऑफिसर थे। 15 जनवरी 1949 को उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा 1953 में सक्रिय सेवा से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद करियप्पा ने दो बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार नसीब हुई। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की यानी 5 सितारा जनरल की उपाधि से नवाजा था। इस मामले में जो भी अपडेट होगी दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए dlalantop.com। शुक्रिया।